उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में रेल विकास निगम ने बड़ी सफलता हासिल की है। रेल परियोजना के तहत बनने वाली सुरंगों में से 8वीं सुरंग की खुदाई का काम पूरा हो गया है। सुरंग का काम पूरा होते ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी की लहर दौड़ गई। परियोजना की यह पहली सुरंग है जो सभी फेज में आर पार खोल दी गई। इस सुरंग का पूरा काम होते ही निर्माण में जुटे RVL और कार्यदायी संस्था के अधिकारी और कर्मचारियों ने सुरंग के भीतर ही तिरंगा लहराकर भारत माता का जय घोष किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की यह सुरंग अन्य सुरंगों की तुलना में अलग है, क्योंकि इस सुरंग के सोड़ वाले हिस्से में रेलवे स्टेशन बनाया जाना है। हालांकि यहां पर रेलवे स्टेशन के लिए अपेक्षित स्थान नहीं है, ऐसे में सोड़ रेलवे स्टेशन का 122 मीटर का हिस्सा सुरंग के भीतर ही आएगा। रेलवे स्टेशन होने के कारण यहां के सुरंग के भीतर कुल 315 मीटर हिस्से में दो रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 122 मीटर दूरी तक सुरंग व्यास 23 मीटर और इसके बाद 193 मीटर तक 13.5 मीटर रहेगा। शेष सुरंग का व्यास परियोजना की अन्य सामान्य सुरंग की भांति 7.8 मीटर का है, जिसमें सिंगल रेल लाइन गुजरेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 104 किलोमीटर रेल लाइन 17 सुरंग से होकर गुजरेगी। परियोजना के तहत इन 17 सुरंग के अलावा परियोजना पर 12 निकास सुरंग के अलावा एडिट और क्रॉस पैसेज भी है, जिन्हें मिलाकर सुरंग की कुल लंबाई 213 किलोमीटर है। परियोजना में सुरंग नंबर 7 बुधवार को आखिरी ब्लास्टिंग के साथ आर पार हो गई। यह सुरंग टिहरी जनपद में पूड़ी नाल से सोड़ तक कुल 1255 किलोमीटर लंबी है, जिसकी खुदाई 7 मार्च 2022 से शुरू हुई थी। इस सुरंग के अलावा अब तक 7 सुरंग आर पार हो चुकी है, लेकिन इनमें से किसी भी सुरंग का काम अभी निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है। यह सुरंग अलग अलग फेज में आर पार हुई है और उनके अन्य फेज पर कार्य चल रहा है। परियोजना के मुख्य प्रबंधक अजीत सिंह यादव का कहना है कि परियोजना के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। परियोजना का कार्य जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसे अन्य सुरंग की खुदाई का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का 60% का काम पूरा कर लिया गया है। परियोजना में 4 प्रकार के सुरंगें बनी हैं। मुख्य सुरंग में रेल लाइन बिछाई जाएगी। निकासी सुरंग में मुख्य सुरंग के समांतर सुरंग बनाई जा रही है, जो कि आकस्मिक स्थिति में निकासी के लिए काम आएंगे। इसके साथ ही एडिट सुरंग भी बनाई जाएगी, जो मुख्य सुरंग से रोहेड से जोड़ेगी। क्रॉस पैसेज भी परियोजना में शामिल है। यह क्रॉस पैसेज मुख्य सुरंग और निकासी सुरंग को आपस में जोड़ेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए अपडेट लाता रहूँ।